फाइन, आज मैं आपके लिए कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाई हूँ और ये सब के पेड प्रोडक्ट ही हैं, मैंने खुद यूज़ किया तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो आप लोग यूज़ करिए और बताइए मुझे ये कैसा है। ये वाओ का फेस वॉश है जिससे कि बहुत ही फ्रेशनेस फील होता है, मैंने इसको खुद पर अप्लाई किया है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके। वाओ का फेस वॉश एंड दिस इज वाओ का शैम्पू विथ आनियन सीड ऑयल, ब्लैक सीड्स ऑल्सो, और इसके साथ भी मेरे हेयर बहुत सॉफ्ट और अच्छे हो गए हैं, तो आप लोग यूज़ करें, आप लोग यूज़ करें और बताएं मुझे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके साथ आज डिस्कस करने के लिए, आप लोग सब चीज़ ध्यान से सुनिए और फिर मुझे बताइए यूज़ करके। और ये बहुत ही सिंपल और सस्ता है, सस्ता और टिकाऊ है, ब्लू कलर का आईब्रो पेंसिल, दिस इज़ वेरी यूजफुल अगर आपकी आईब्रो थोड़ी कम है, इसको थिक करने के लिए आईब्रो पेंसिल, इसमें ब्रश टाइप बना हुआ है अंदर और इसको यूज़ करेंगे ऐसे तो बिल्कुल नेचुरल लुक आएगा, और मैं इसको खुद यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इन सब चीज़ों। ये सब चीज़ें जब आप यूज़ करते हैं तब आपको पता चलता है कि इसका रिज़ल्ट क्या है, ऐसे तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा, मैं आपको बताऊँगी, आप लोग खुद यूज़ करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसका रिज़ल्ट क्या है। और मैं आज आपको लिप्स के लिए भी एक नेचुरल घर की रेमेडी बताऊँगी, मेरे पास ये देसी घी आपको यूज़ करना है, मेरे पास ये आनंद ही आनंद का देसी घी है, आप घर का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं। इसका आपको हाफ स्पून घी लेना है एक बाउल में, और उसमें आपको कोई भी हनी, कोई भी कंपनी का हनी आपको मिक्स करना है, इसको 1/4 स्पून, दोनों को हम अच्छे से वैन मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको आपको मॉर्निंग में और नाइट में सोते समय अपने लिप्स पर अप्लाई करना है, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, आपके लिप्स नेचुरल पिंक हो जाएंगे, पर इसको थोड़ा टाइम लगता है, आप इस पर से अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब चीज़ बहुत ही यूज़फुल हैं, आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इसका रिज़ल्ट है। और आज हम और क्या बात करेंगे, करोना के बारे में, करोना देखिए आप 1 साल से ऊपर हो गए हैं, करोना चल रहा है, हम लोग सब लोग बहुत परेशान हैं, हमको लगता है कि कब इससे हमको बेटर होंगे, हम लोग कब इससे हमको छुटकारा मिलेगा, पर आप लोग ये सोचिए गाइस कि इसके साथ हम लोग नेगेटिव थॉट्स तो हम सबके मन में आ रहे हैं, पर हमने कभी ये सोचा कि इसका पॉजिटिव क्या हुआ है, कि हमारी फैमिली सब इकट्ठी रहने शुरू हुई है, हमारे बच्चे हमारे साथ रहने शुरू हुए हैं, तो अभी बच्चों का ये काम है कि पेरेंट्स के लिए आप लोग बाहर कम जाइए, और जाते हैं तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और हैंड्स वॉश करिए, गर्म पानी पीजिए, पर आपको मैं गर्म पानी का भी एक तरीका बता रही हूँ कि अगर आप लोग बाहर से जब भी आते हैं तो एक तो स्टीम लीजिए और एक गर्म पानी में थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा हल्दी डाल के उसको मिक्स करके पीजिए, तो उससे कोई थ्रोट इन्फेक्शन नहीं होता है और आपको बहुत अच्छा फील होगा, और नाइट में सोते टाइम भी गर्म पानी हल्दी हनी मिक्स करके पीजिए, बाहर से जब भी आएँ तभी भी आप पीजिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए और एक सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, घर में भी कोई आ रहा है तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग में बैठिए, कोशिश करके अवॉइड करिए थोड़ा दिन, जब तक कि कोरोना काफ़ी फैल रहा है, स्पेशली महाराष्ट्र में काफ़ी फैल रहा है, तो आपको ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमको सबके लिए सोचना है, खाली अपने लिए नहीं सोचना है, अगर हम सबके लिए सोचेंगे तो तभी इस चीज़ से हमारे को छुटकारा मिलेगा। ओके गाइस, फिर मिलेंगे, आप सबको कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, गुड बाय, रब रात का, जय गुरु जी।